गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज आपको मैं अपने टेरेस गार्डन में जो हमने ये जो शेड लगाया है उसको मैं आपको पूरा बताना चाहती हूँ कि उसके बाद मैंने किस तरह से इसमें हैंगिंग भी लगा ली है। तो आप देख सकते हैं ये सारे यहाँ पर, अभी हमने इसमें एक चेंज किया था क्योंकि हमको लगा कि कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए ये वाला एक पिलर और एक्स्ट्रा लगवाया है इसके अंदर। और ये यहाँ पर एक हुक जैसे लगवा लेते हैं ना, उससे ये आराम से हैंगिंग जो है वो टंग जाते हैं। तो ये मैं आपको दिखाने वाली थी, देखो यहाँ पर हमने किस किस तरह से ये लगाए। अब कुछ लोग ये सोच रहे थे कि ये गिर तो नहीं जाएंगे गमले यहाँ से, तो मैं उनके लिए बता देती हूँ, ये जो रेलिंग है, ये जो गमले रखे हैं गमलों के पास, हमने ये रेलिंग लगवा दी है, देखिए, जिससे ये कहीं कोई गिरे नहीं। ये रेलिंग के बाद भी हमने यहाँ पर एक रस्सी बांधी है जिससे कोई भी गमला जो है उधर गिर के ना जाए, उधर नहीं गिरे। देखिए ये शेड के बाद, पहले शेड में रखा नहीं था तो ये एलोवेरा कैसा था, और अब आप देख सकते हैं इस एलोवेरा को एकदम ग्रीन हो चुका है, एकदम ग्रीन। जो भी प्लांट्स हैं अब एक तो बारिश की वजह से भी एकदम ग्रीन हो गए हैं। ये सारी तुलसियाँ हैं और हम यहाँ भी हमने वो हुक जो है छोटे छोटे हुक लगवाए हैं, जैसे कोई अगर बेल लगवाना चाहे तो बेल इससे इस तरह से, ये जो है ना, ये जैसे बेल है ये इससे टांग दिए। और इस साइड भी बिल्कुल वही सेम रेलिंग लगवाई है, देख रहे हैं आप, तो उधर गिरने का सवाल नहीं है। इस हैंगिंग में देखिए मैंने क्या क्या डाला है, ये जेड प्लांट है, जेड प्लांट लगा दिया इसमें, इसमें पोर्टुला का लगाया है, ऑरेंज कलर है। और इसमें देखिए ये जो अजवाइन का होता है ये लगाया है, एक ये वाला प्लांट मैं आपको पूछने वाली थी इसका नाम, उसने तो चमेली बताया था, देखिए लेकिन फूल कितने सारे आते हैं इसके अंदर, देख रहे हैं आप कितने फूल आते हैं इसमें। ये देखिए भर भर के फूल आ रहे हैं इसके अंदर, ये मैं अभी लेके आई हूँ, 6-7 दिन हुए हैं इसको और फूल खूब आ रहा है। ये है अलमंडा, पता नहीं यही नाम है इसका कुछ, इसमें येलो कलर का फूल आएगा, लेकिन अभी एक ही फूल आया है इसके अंदर और आने वाले हैं। ये भी देखिए अजमाइन का है, अजमाइन में साथ में ये पहले ये लग रहा था। ये देखिए बेबी पिंक कलर का सदाबहार है, ये बहुत बिल्कुल एकदम पिंक कलर है, देखिए कैसा लगा आपको ये बताएंगे मुझे कमेंट में। और ये जो आप एसी की यूनिट देख रहे हैं उसके जस्ट सामने हमने खाद बनाने वाला सिस्टम रखा हुआ है, इधर आप देख रहे हैं ये वाला, इसमें फिर क्या होता है जिससे खाद बहुत इसके सामने जो है ना बिल्कुल वैसे ही जो हवा आती है उससे ये खाद का सिस्टम बल्कि और अच्छे से जल्दी हो रहा है प्रोसेस जो है ना। तो ये इसके लिए हमने इधर के साइड कोई गमला नहीं रखा है, बिल्कुल इनके जो जस्ट सामने जो फैन आ रहा है और उसकी यूनिट के ऊपर भी कुछ गमले रख दिए हैं छोटे छोटे, देख सकते हैं आप। ये टब में भी मेरे तुलसी देखो काफ़ी अच्छी हो रही है, बहुत काफ़ी हो गई है अभी ये। तो उधर की साइड भी हमने थोड़े से ये लगा दिए हैं, गमले लग ही रहे हैं वो तो आपने देखे ही है। ओके बाय दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें।